राजस्थान में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को 122 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए। इस साल यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को 100 कोरोना के मरीज मिले। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में शुक्रवार को 3,423 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें उदयपुर के 11, सिरोही के 4, सीकर के 4, सवाईमाधोपुर के 5, राजसमंद के 4, पाली के 1, नागौर के 8, जोधपुर के 18, झालावाड़ के 4, जैसलमेर के 1, जयपुर में 34, दौसा के 1, चित्तौड़गढ़ में 7, वहीं बीकानेर की बात करें तो यहां पर 11, भीलवाड़ा में 1, अलवर में 3, अजमेर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें, 34 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं अब प्रदेश में कुल कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 382 पहुँच गई है। इधर राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले जो है चिंता का विषय बने हैं। 1 अप्रैल को 21 केस सामने आए, उसके बाद 7 अप्रैल को 122 केस देखने को मिले। लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, माना यह भी जा रहा है कि मई में कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए चिकित्सा विभाग पूरी अलर्ट मोड पर है। सभी अस्पतालों में तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। तो राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो केसेस बढ़ रहे हैं, अनुमान जताया जा रहा है कि मई के महीने में इन केसों में उछाल जो है दर्ज किए जाएंगे। इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर करें। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां 400 के पार पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। बता दें, लगातार कोरोना के मामले जो है राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के तमाम ज़िले हैं जहां पर लगातार केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मरीजों के सैंपल भी लिए गए हैं और उनके सैंपल की भी जाँच जो है वो की जा रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 400 के पार पहुँचा है मरीजों का आंकड़ा। लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और ये जो है चिंता का विषय है, क्योंकि नया वायरस ने भी एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। ऐसे में दोहरी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए। और आपको जानकारी दे दें, जिस तरह ये केसेस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य अमला जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है।